सच कह रहे हैं गुड्डन जी, हम आपकी खुशी के लिए ना। बस बस बस, बहुत हो गया नाटक, गई वो, अपनी एक्टिंग बंद कीजिए। नाटक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ गुड्डन। जरूर, जानते हैं हम जिंदल साहब, पर आपको एक बात पता है, अगर हमारे आंसुओं का हिसाब लिखने लगेंगे ना, फिर बाल सफेद हो जाएंगे आपके। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे देखना पसंद है? What nonsense, Gooden? What are you talking about? बिल्कुल सेंस है जिंदल साहब। क्या है ना, ये आंसू भी आप ही के दिए हुए हैं, और हमारे पास आपकी ये सेंसलेस बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं। आपको हाथ जोड़ कर भी बोल देते पर हमारा फोन गिर जाएगा, इसलिए बोल के बता रहे। फिजूल थक रहे हैं आप जिंदल साहब, पीछा छोड़िए हमारे। प्यार की बातों को फिजूल समझने वाला किसी फूल से कम नहीं होता गुड्डन जी। क्यों? For you. और क्या रहे? किसी ने देख लिया तो पागल वागल हो गए हैं क्या? अरे गुड्डन जी, दुनिया का तो काम है देखना, देखने दीजिए ना, उन्हें भी तो पता चले कि हम आपके कितने बड़े वाले आशिक हैं। और आप जानते हैं ना आपकी इस आशिकी में कितना रिस्क है। रिस्क तो है लेकिन प्यार भी तो है, और जब प्यार किया तो डरना क्या, जो आएगा सामने देख लेंगे उसको, लेकिन कभी किसी और का नहीं होने देंगे आपको। यू गेट दैट? एक तो सबसे पहले आप इस होंडा के कैरेक्टर से बाहर आके हमसे बात कीजिएगा आगे से, जब भी करेंगे। और दूसरा ही, जो आपकी अकल है ना, जो आजकल घुटनों में सवारी कर रही है आपकी, इसे समझा दीजिए कि हम पर है ना ऐसे चीप चीप बातों का कोई असर नहीं होने। तो प्लीज क्या है? गुड्डन जी, इस दिमाग को क्या समझाना है ये तो बता दिया, लेकिन इस दिल का क्या करें, इसको क्या समझाना ये भी बता दीजिए ना। ये दिल जिसकी हर धड़कन आपके इन हाथों की लकीरों में बसती है, उसे क्या जवाब दें बताइए? फड़ में गया आपका दिल। और एक काम कीजिए जिंदल साहब, या तो अपने दिल को समझा दीजिए, और अगर नहीं सुन रहा है ना तो इसकी सुनना बंद कर दीजिए। थोड़ा टाइम दर्द होगा बस, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। कैसे ना सुनो इस दिल की गुड्डन, जो हर पल बस यही कहता है कि तुम्हारी नाराजगी के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार छिपा है। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार खो सा गया है, उसे वापस लेकर आऊंगा मैं। तुम्हारे चेहरे की खुशी, वो हंसी, वो सब जो मैंने खो दिया है, सब फिर से ढूंढ लूंगा मैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि अपना किया हुआ वादा निभाऊंगा मैं। देखते हैं कहां तक भागोगी, वापस लेकर आऊंगा तुमको मैं। संतरा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हारना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। बुरे से बुरे वार के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा लक्ष्मी। आप ठीक कह रही हैं, हमें हमेशा उनसे एक कदम आगे रहना होगा, क्योंकि हमारा सारा प्लान सासू माँ की जीत पर टिका। जीत तो गुड्डन सासू माँ की ही होगी, और इसीलिए हमें अंतरा पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। चलो चल के देखते हैं वो क्या कर रही है। चलिए। देखो, तुम्हारी नज़र इधर से उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ओके? गुड्डन बाहर है और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा, और जब तक मैं अंदर हूँ तब तक कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, गॉट इट? बाकी सब तो ढीले हैं, पर गुड्डन की वो दो बहुएं जो उसकी चमचियां हैं, कहीं वो कुछ गड़बड़ी ना कर दे, उन्हें रोकना होगा, पर कैसे? दुर्गा दी, अंतरा जी को सब जगह देख लिया लेकिन वो नहीं है। आपने दादी के रूम में चेक किया? हाँ, दादी के रूम में भी नहीं है वो, पता नहीं कहाँ चली गई है। एक मिनट, कहीं गुड्डन सासू माँ के कमरे में तो नहीं? सारा कांड तो वो वहीं करेगी ना। चलो चलो। सरू, अंतरा जी की राइट हैंड हूँ मैं, 1760 कोशिशें कर लीजिए लेकिन मेरे होते हुए उन तक पहुंच नहीं पाएंगी आप दोनों। आज संगीत के डांस फेस ऑफ में जीत अंतरा जी की होगी, उस पानी कम चाय गुड्डन की नहीं।
तुम्हें बस हराऊंगी नहीं बल्कि वो हाल करूंगी तुम्हारा कि ये घुंघरू भी थिरकने से मना कर देंगे। हे भगवान, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? देख के नहीं चल सकती थी क्या? बताओ, सारी मेहनत हवा में उड़वा दी। ऐसी कौन सी हाय तौबा थी जो अंधों की तरह चल रही थी आप लोग? तमीज से बात करो, एक तो खुद देख कर चल नहीं रही हो, ऊपर से हमको सुना रही हो। चलो लक्ष्मी। अरे ऐसे कैसे चलो? अंधरा जी को जानती है ना आप कितनी खतरनाक है वो। प्लीज देखिए, मैं अकेले सजा नहीं भुगतूंगी, आप लोगों को ना मेरी मदद करनी पड़ेगी। अंतरा ने थोड़े बहुत पैसे क्या फेंके तुम्हारे मुंह पे? तुम तो पूरी की पूरी बिक गई। जमीर के साथ साथ लगता है शर्म भी बेच खाई है तुमने। भूलो मत किससे बात कर रही हो तुम। इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, उमर और औदे दोनों में बड़ी हूं तुमसे। तुम होती कौन हो हा? मुझे काम बताने वाली? चलो लक्ष्मी। अरे अकेले पर मैं कैसे कर... हटो। हे भगवान, इससे पहले कि ये दोनों अंदर चली जाएं, आई होप अंतरा जी ने अपना काम कर दिया हो, वरना पता चले कि गुड्डन का कांड करने गई हूँ और खुद का ही काम तमाम हो जाए। हे भगवान, बचा लेना। मैम, क्या है? ये फूल कहाँ रखना है? मेरे सर पे रख दो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं भी रख दो, क्या क्या फर्क पड़ता है वैसे? चलिए दुकान। रूम तो खाली है। अब खाली है, पहले नहीं था। अंतरा यहाँ आई थी। आपको कैसे पता? मतलब मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। परफ्यूम, उसकी परफ्यूम से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मैं, उसकी महक को पहचानती हूँ। क्या अंतरा हमारे कमरे में थी? हाँ। अगर वो हमारे कमरे में थी, इसका मतलब वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। हमें हराने के लिए कुछ ना कुछ खेल तो वो जरूर खेलेगी, कि फितरत को अच्छे से जानते हैं। किया क्या होगा उसने? अंतरा जी, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई थी, पर फिर भी वो दोनों अंदर चली गई। पर आपका काम ना फिर भी हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको शक हो गया है। अंतरा जी, मुझे टेंशन हो रही है और आपको ड्राइंग की सोच रही है, क्या कर रही हैं आप? अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। पर ये क्यों है? यू टेल मी। शिकारी, शेर, बकरी, यही है ना? पर अंतरा जी, ये क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चल, आई विल गिव यू अ हिंट। तुम मुझे बस इतना बताओ कि ये बकरी क्या है, एज इन इसका पर्पस क्या है यहाँ पे? बकरी शेर को अट्रैक्ट करने के लिए है, मतलब चारा, राइट? कॉमन लोग, कॉमन सोच। एक्चुअली यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। तुम ना सिर्फ देखती हो, ऑब्जर्व नहीं करती। कोई भी अगर इस पेंटिंग को देखेगा, उसे यही लगेगा कि ये बकरी अट्रैक्ट करने के लिए वहां रखी गई है, लेकिन नहीं। एक्चुअली ना, उस शिकारी ने उस शेर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस बकरी को वहां रखा है, ताकि जब वो शेर उस बकरी को देख रहा हो, तब वो शिकारी बिना किसी फाइट के, बिना किसी मेहनत के, बड़े ही आसानी से उस शेर को मार डाले और अपना शिकार कंप्लीट कर। वाह, बहुत अच्छा है। पर अंतरा जी, मेरी समझ के बिल्कुल परे है। कोई बात, तुम बस इतना समझ लो कि अपने शिकार के लिए मैंने एक बकरी का इस्तेमाल कर लिया है, ताकि सही वक्त आने पर हम उस शेर का शिकार कर सके और उस जंगल पर राज कर सके। उस गुड्डन को, उस बकरी को ही ढूंढ लें और हम मौके पर चौका मार देंगे।
गुड्डन सासुमा, ये देखिए घुंघरुओं के साथ छेड़खानी की है अंतरा ने। घुंघरुओं को ढीला कर दिया उसने ताकि नाचते वक्त वो आपको ऐसे हराना चाहती है, आपको गिराकर चोट पहुंचाना चाहती है। एक्चुअली ना सरुभा, मैं चाहती हूं कि उन्हें वो घुंघरू मिले, शायद मिल भी चुका हो अब तक, और अभी उनको लग रहा होगा कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया। लेकिन उन्हें ये तो पता ही नहीं है ना कि मेरा असली प्लान तो अभी शुरू हुआ है, और इस बकरी के जैसे वो घुंघरू तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है ताकि मेरी शिकार यानी कि गुड्डन मेरे जाल में फंस सके। वाओ, क्या बात है इंद्रा जी, मतलब प्लान के पीछे एक और प्लान। अच्छा ठीक है, घुंघरू खराब करना आपकी चाल नहीं थी, तो आपकी असली चाल क्या है? हाय, प्यारी लग रही है। नजर ना लग जाए, जीत तेरी ही होगी, मुझे पूरा यकीन है। अब तो अंतरा का प्लान तो फेल हो गया, क्योंकि तुम लोगों ने घुंघरू ठीक कर दिए। मुझे लक्ष्मी ने सब बता दिया है, तुझे हराने के लिए उसने कितनी घटिया चाल चली है। अब तू मन लगा के डांस कर और उसको हरा के ही दम लेना, समझी ना? ये क्या, इतनी मायूस क्यों है? कुछ नहीं माँ जी, यूं ही। देख बेटा, कान्हा है ना, वो अच्छे लोगों के साथ बुरा कभी नहीं होने देते। अब देखना, कंपटीशन के बाद तेरी तो जीत होगी और साथ ही साथ तेरी सारी मुश्किलें हल भी हो जाएंगी। अच्छा दिन। मुश्किलें तो तब खत्म होंगी ना माँ जी, जब हमें अंतरा के प्लान का पता चलेगा। एक बात का तो हमें अच्छे से यकीन है, जिस तरह के भयानक खेल वो खेलती है, ये घुंघरों से छेड़छाड़ करना तो उसका प्लान बिल्कुल नहीं था। कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है। अंतरा जी, एजे, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के लिए, अब आपके 36 के 36 गुण मिलने जा रहे हैं दोबारा जिंदगी भर के लिए। भगवान करे कि आपका ये साथ कभी न टूटे। Yes. What? Okay, I'll be there. रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम आ गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे आज अब मतलब ऐसे ओकेजन पे कैसे जा सकते हो तुम? यू नो इट्स वर्क, अदरवाइज मैं कभी नहीं बोलता सर। बट जितनी स्पीड में जाओगे उतनी स्पीड में वापस आओगे, प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस इट विल बी एज सून एज पॉसिबल। ओके कंटिन्यू। अच्छा हुआ अक्षत खुद ही चला गया, यहाँ बेकार में कबाब में हड्डी बनकर मेरे गले में अटका रहा था। वैसे भी अपने ही संगीत में मुझे होंडा के लिए नाचते देख बेचारे को कितना बुरा लगता ना। एटलीस्ट अब मैं अपना सारा फोकस होंडा पर रख सकती हूँ। माँ, संगीत की रस्म शुरू करें? हमारे बिना ही अपने संगीत की रस्म को शुरू कर देंगी।
तो आपके इस जश्न में तीन चांद कौन लगाएगा भाभी जी? जो कहावत है ना, उसमें तीन चांद नहीं चार चांद होते। भाभी जी कम है, चौथे चांद के रूप में तो गुड्डन जी पहले ही आपके घर के अंदर हैं कि नहीं? आज आप अपने स्वागत का सामान नहीं लाए? कैसे लाते भाभी जी, पिछली बार जो गुड्डन जी ने हमारा ये धूमधाम से गर्मा गर्म स्वागत किया है, उसके सामने तो हर तरह का स्वागत बर्फ की सिली यानी कि थोड़ा सिली और ठंडा लगता नहीं? वैसे गुड्डन जी है कहाँ बताइए ना, उनको देखने के लिए आंखें तरस रही हैं हमारी। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। गुड्डन जी देखिए आपका होंडा आया है, आपका होंडा। ये होंडा तो बहुत ही दीवाना हो गया है उस गुड्डन का। So beautiful. आखिरकार आपके दर्शन हो ही गए हमें। पापा जी की कसम, आज इस हरे लहंगे चोली में जो आप दिख रही हैं, इस बंजर दिल की जमीन पर पूरी हरियाली फैल गई मानिए, बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। देख रही हैं तन्वीर जी कैसे गुड्डन पर लट्टू होते जा रहे हैं। अगर आपने गुड्डन को हराया नहीं ना, तो तन्वीर जी आपके हाथों से निकल जाएंगे। चिल सरस्वती बहू, कुछ नहीं होने वाला। ये जो लट्टू वहां पे गोल गोल घूम रहा है ना, कुछ टाइम बाद गोल गोल घूम के यहाँ मेरे पास ही आने वाला। पक्का? पक्का। अंतरा जी वैसे आप करने क्या वाली है? शर्मिंदा करने वाली हूँ। अब जो मैं करूंगी ना, इसकी ऐसी इज्जत खराब होगी कि इसका ये मिस्टर होंडा तो बहुत दूर की बात है। वो जो उसका 70 साल का वो बूढ़ा हस्बैंड था ना, जिसके साथ शादी कर रही थी, वो भी उसे अपनाने से मना कर देगा। इतना बुरा हाल करूंगी मैं इसका। तुम्हें याद है वो पेंटिंग? मैं तुम्हें बता रही थी ना कि घुंघरू डिस्ट्रैक्शन है। एक्चुअली मैंने इसकी चोली यानी कि ब्लाउज मैं थोड़ी सी छेड़खानी की है। अंतरा जी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मतलब गुड्डन को तो हराने तक ठीक था, मतलब अरे उसकी इज्जत नीलाम करना पूरे परिवार के सामने? नहीं नहीं अंतरा जी गलत है, मैं बोल रही हूँ। Everything is fair in love and war. और अब मेरे संगीत के साथ साथ इसकी इज्जत की भी नुमाइश होगी। गुड्डन को बहुत शौक है ना डांस करने का मिस्टर होंडा के लिए। वो कौन सी मूवी थी, शोले थी ना, जहाँ पे बसंती डांस करती है जब तक वीरू की सांसें चलती है। जब जब इसके कदम थिरके तब तब उसकी एक एक करके डोरी टूटेगी। और देखना आखिरी डोरी टूटते ही ये इंडिया की यंगेस्ट सास है ना, वो सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फेमस हो जाएगी। इसकी जिंदगी की मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगी ना, शोले पट्टू। हाँ लेकिन ट्विस्ट। यंत्रा इतनी खुश क्यों लग रही है? इसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, पर क्या?